नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे एनसीबी की टीम ने कर दिया ड्रग्स केस का भंडाफोड़ और गिरफ्तार कर लिए हैं कई और बड़े मुजरिम। जी हां, बहुत ध्यान से आप सभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को समझ में आने वाला है कि अब एनसीबी की टीम ने कुछ ऐसे लोगों से पूछताछ की है जिनका ना सिर्फ सीधे संबंध सुशांत सिंह राजपूत केस से है, बल्कि दोस्तों इनको बहुत सारी अहम जानकारियां भी हैं और रिया चक्रवर्ती के बारे में भी ये खुलासा कर सकते हैं। और खबर ये भी है कि जब एनसीबी की टीम इनको गिरफ्तार कर रही थी, तब इनमें से एक शख्स ने एनसीबी के अधिकारी को चोटिल कर दिया है और वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनली एनसीबी की टीम ने दबोच लिया है और एनसीबी की टीम उत्साहित नजर आ रही है। और एनसीबी सूत्रों से खबर आ रही है कि इस केस में सुशांत केस से जुड़ी कई सारी अहम जानकारियां भी सामने आ सकती हैं। तो पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जब सामने आया, उसके बाद से ही हमारे सामने ड्रग्स का एंगल सामने आया, और ड्रग्स के एंगल के सामने आने के बाद से ही रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती को 1 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था, और सौविक चक्रवर्ती को 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। और इतना ही नहीं, जेल से निकलने के बाद भी इनकी परेशानी कम नहीं हुई थी। लोग इनको नशेड़ी तो कह ही रहे थे, साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती लड़की होते हुए ड्रग्स कैसे ले सकती है, और रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगे थे। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं, ड्रग्स का वो एंगल बॉलीवुड का उजागर हुआ जिसे देखने के बाद तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, और उसके बाद कई बड़े सेलिब्रिटी की और भी गिरफ्तारी हुई और कई लोगों को समन मिला, बुलाकर पूछताछ भी की गई। लेकिन एनसीबी ने अभी भी एक बार फिर से भंडाफोड़ खुलासा किया है, और एनसीबी का ये मानना है कि अभी भी ना तो बॉलीवुड से पूरी तरह से ड्रग्स खत्म हुआ है और ना ही भारत देश से ड्रग्स पूरी तरह से खत्म हो पाया है। और इसी बीच एनसीबी ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से ड्रग्स के सिलसिले में जानकारी मिली तो वहां पर जाकर छापा मारा, जहां पर कुछ उसमें से ड्रग्स पेडलर खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एनसीबी ने पूरी तरह से जाल बिछा रखा था और एनसीबी ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिसकी वजह से कई सारे मुजरिम पकड़े गए हैं। इसी बीच में आपको बता दूं, एनसीबी अधिकारियों ने अब सामने आकर बयान दिया और बताया कि कितनी परेशानी हुई इन लोगों को पकड़ने में। एनसीबी अधिकारी ने बताया कि जब एनसीबी अधिकारी को पता चला कि एक घर में बहुत सारे ड्रग्स पेडलर हैं और वहां पर ड्रग्स को लेकर बातें चल रही हैं, लेन देन हो रहा है, तो एनसीबी की टीम ने तुरंत ही वहां पर छापा मारने की सोची। और जैसे ही एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची तो एनसीबी की टीम के होश उड़े रह गए, क्योंकि वहां पर ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप बरामद हुई है। और इसके अलावा एनसीबी की टीम के हाथ वो सबूत भी लगे हैं जिसके आधार पर एनसीबी की टीम इस केस को अब सुशांत केस से लिंक करके देख रही है। और एनसीबी के अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में अब ना सिर्फ सुशांत का केस सॉल्व हो पाएगा, बल्कि ये भी पता चल जाएगा कि आखिर इस केस की सच्चाई क्या है। और इसके अलावा यही ड्रग्स पेडलर हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती के घर तक भी ड्रग्स की सप्लाई करे। मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत केस में कई सारे बड़े खुलासे जरूर किए थे, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसका किस ड्रग्स स्मगलर और ड्रग्स पेडलर से संबंध है और किस ड्रग्स पेडलर से वो ड्रग्स लेकर के और सुशांत तक पहुंचाया करती थी। तो आने वाले दिनों में आप सभी देखेंगे कि अब ना सिर्फ सुशांत का केस सॉल्व होगा, बल्कि और भी कई सारे ड्रग्स पेडलर सारी सच्चाई उगलेंगे और बताएंगे कि इस केस की सच्चाई है क्या। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।